नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अनुसंधान योग्यता में एक नया टॉपिक जिसका नाम है अनुसंधान नैतिकता। तो फ्रेंड्स, ये अनुसंधान योग्यता का पार्ट नंबर 13 है, पेपर 1 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बस 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बाकी इसके बाद हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्रेंड्स, जिनका कॉमर्स का पेपर है पेपर 2, तो उनके लिए हमने क्रैश कोर्स शुरू किया है जून 2019 के लिए। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट है 500 रुपये। इसमें आपको डेली PDF लिंक मिलेगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट भी 500 रुपीज़ है। इसमें आपको 45 डेज का क्रैश कोर्स मिलेगा। इसमें आपको डेली वीडियो लिंक प्लस PDF मिलेगा कॉमर्स के रिलेटेड। पेपर 1 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल सकता है आपको। PDF की कॉस्ट है 495 रुपीज़। बोथ मीडियम इंग्लिश हिंदी की कॉस्ट है 595। इसमें आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा पेपर 1 का। बुक्स की कॉस्ट है 1200 रुपये। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट है 200 रुपये। इसमें आपको पूरा पेपर 1 कंप्लीट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए, आप हमें मेल कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी कि पेमेंट कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे शोध आचार या शोध नैतिकता, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, शोध आचार या शोध नैतिकता है क्या, सबसे पहले देखते हैं कि नैतिकता या आचार का क्या मतलब है। देखिए, नैतिकता क्या है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एथिक्स। अब देखिए कि कोई चीज़ सही है गलत है वो कैसे पता चलेगी, वो पता चलेगी नैतिकता से, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि अगर हम किसी से अच्छा करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, जो चीज़ अच्छी होती है बुरी होती है वो नैतिकता के अंदर आती है। तो देखिए, नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द एथोस से लिया गया है, जो रिवाजों को स्वीकार किए गए व्यवहारों को संदर्भित करता है। यानी कि नैतिकता शब्द कहाँ से लिया गया है, एथोस से, ठीक है। इंग्लिश का शब्द है एथिक्स, और एथिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है, एथोस से, ठीक है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, तो जो रिवाजों को स्वीकार किए गए व्यवहारों को संदर्भित करता है। यानी कि नैतिकता का जो शब्द है एथोस से लिया गया है, और यह इसका ग्रीक भाषा के में क्या मतलब है, रिवाज यानी कि कस्टम्स, ठीक है फ्रेंड्स। शोध नैतिकता आचार संहिता को संदर्भित करती है, जिसका शोधकर्ता अनुसंधान या परियोजना के दौरान अनुसरण करते हैं। अब जो शोध नैतिकता क्या है, वो आचार संहिता को संदर्भित करती है। यानी कि शोध नैतिकता में क्या है, देखिए नैतिकता जैसे मैंने बताया कि कोई चीज़ अच्छी है बुरी है वो नैतिकता के अंदर आएगी। अब जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो अच्छी है बुरी है जैसी भी है वो हमें बतानी पड़ती है, वो इसके अंदर आएगी, वो आएगी किसको संदर्भित करती है, वो करती है आचार संहिता को। देखिए, अनुसंधान नैतिकता में सिद्धांतों और मानकों को शामिल किया गया है, जो अनुसंधान के संचालन में व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। अब देखिए, जो अनुसंधान नैतिकता है उसमें किसको शामिल किया गया है, सिद्धांतों और मानकों को, ठीक है। देखिए, सिंपल से इस लाइन का क्या मतलब है कि शोध नैतिकता में आचार संहिता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम कोई शोध करते हैं, वो शोध हमें फ़ायदा देगी, हमें नुकसान देगी, क्या करेगी, तो वो किस में आएगा, शोध आचार या नैतिकता में। यानी कि जो हमारी शोध है वो किसके लिए होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड बात देखिए कि अगर कोई भी शोध है, कोई भी रिसर्च होती है, वो किसके लिए होती है, कि ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को और देश को, ठीक है। तो इनकी शोध ऐसी होती है कि जिससे सभी को फ़ायदा मिल सके, ऐसी शोध नहीं होती जो सबको नुकसान पहुँचाए। अब देखिए, अनुसंधान आचार की विशेषताएं क्या हैं। अनुसंधान नैतिकता अच्छी तरह से स्वीकार किए गए नैतिक और सामाजिक मूल्य पर आधारित है। यानी कि जो अनुसंधान नैतिकता है या अनुसंधान जो आचार है वो अच्छी तरह से स्वीकार किए गए, यानी कि जो चीज़ नैतिक है, जो चीज़ सही है, और जो सामाजिक मूल्य पर आधारित है। यानी कि जो अनुसंधान, यानी कि जो रिसर्च कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, वो समाज के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो सामाजिक मूल्य पर आधारित होती है। यानी कि जो भी हम रिसर्च करेंगे वो समाज में रहने वाले लोगों को फ़ायदा देगी। अनुसंधान नैतिकता कानूनी, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सीमाएं प्रदान करती हैं। अब देखिए, जो अनुसंधान नैतिकता है वो ये सारी सीमाएं प्रदान करती हैं। अब देखिए, हर एक चीज़ की सीमा होती है, हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो एक रिसर्च उतनी ही की जाती है जो इसके दायरे में आ सके। एक रिसर्च कानून के दायरे में रह के की जाएगी,
ठीक है, जिससे इंसान को कोई नुकसान ना हो, यानी कि रिसर्च ऐसी की जानी चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, जो सामाजिक तौर पर सभी को लाभ पहुंचाए, अच्छी हो नैतिकता तौर पर, आर्थिक स्तर पर, आर्थिक तौर पर भी सही हो, है ना, तो और सांस्कृतिक तौर पर भी सही हो। अब देखिए नैतिक सिद्धांत क्या है, हमने बात तो की है कि जो अनुसंधान है वो नैतिक होना चाहिए, वो नैतिक सिद्धांत क्या है देखते हैं। देखिए पहली बात है ईमानदारी, शोधकर्ता को अनुसंधान परियोजना में ईमानदारी से और सच्ची जानकारी प्रदान करनी चाहिए। शोधकर्ता गलत बयानी, चूक या आंशिक सच्चाई से गुमराह या छल धोखा नहीं करते। देखिए इसमें क्या है कि अगर पहली बात तो किसी अनुसंधानकर्ता ने, किसी रिसर्चर ने कोई अनुसंधान या कोई रिसर्च की है, तो उसे सबसे पहले शोध करने के बाद ईमानदारी रखनी चाहिए, यानी कि जो जो उसकी जो जो उसने अनुसंधान किया है, जो उसने शोध किया है, वो उसमें क्या क्या उसने बताया है, वो सारा कुछ सच होना चाहिए, यानी कि उसकी जो शोध है, जो उसका अनुसंधान है, वो सही है गलत है, क्या क्या उसमें कमियां हैं, ये सारी उसको बतानी चाहिए पूरी की पूरी ईमानदारी से, यानी कि ये ना उसने किया कुछ और है अनुसंधान में, बताया कुछ और है, इसमें गलत बयानी वगैरह कुछ नहीं दी जानी चाहिए। अगर कहीं पे गलती है तो उसे गलती को बताना चाहिए कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि अनुसंधानकर्ता को शोध करते समय जब वो अपना शोध कर लेगा तो उसको ईमानदारी से पूरा उसको बताना चाहिए कि ये कैसे कैसे किस पर आधारित है, उसमें कोई भी गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। वफादारी, शोधकर्ता सच्चे सत्य की खोज करना चाहते हैं और व्यक्तिगत ईमानदारी और साहस का प्रदर्शन करते हैं। शोधकर्ता को सुविधा के लिए सिद्धांत और मूल्य का त्याग नहीं करना चाहिए, पखंडी या बेईमान नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए की जगह नहीं होना चाहिए आना था, यहाँ पे गलत लिख हो गया है थोड़ा सा, अब इसको सही कर लेना, उसे पखंडी या बेईमान नहीं होना चाहिए। देखिए अब देखिए उसे वफादारी रखनी चाहिए। अब देखिए जो शोधकर्ता है यानी कि जो रिसर्चर है वो हमेशा शोध करेगा किसकी, सत्य की खोज करना चाहता है, इसलिए वो ईमानदारी से चलता है। अब उसे क्या करना चाहिए, उसे किसी भी तरह का मतलब कि कोई भी झूठ या बेईमानी नहीं करनी चाहिए, उसे ईमानदारी रखनी चाहिए, यानी कि अगर वो कोई रिसर्च करने जा रहा है, कोई शोध करने जा रहा है, तो वो उसके प्रति ईमानदार रह के उसे चीज़ को कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे कोई शोध करता है, जो कोई रिसर्चर है, अगर कोई मेडिसिन वो अगर उसने वैज्ञानिक है, उसने अगर मेडिसिन को अगर ऐसा बनाना है कि जो सभी को हर बीमारी से मुक्त कर सके, तो उसे वफादारी से उसी के ऊपर जाना चाहिए, उसी के बारे में उसे रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वफादारी या निष्ठा। देखिए शोधकर्ता विश्वास के योग्य है, व्यक्ति या समाज के प्रति वफादारी प्रदर्शित करते हैं, वे व्यक्ति के लाभ के लिए विश्वास में सीखी की जानकारी के उपयोग में खुलासा नहीं करते। अब देखिए निष्ठा रखनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है कि जो शोध करता है उसके ऊपर विश्वास होता है, वो विश्वास के योग्य है। अब होता क्या है कि उसको ये निष्ठा रखनी चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उसे व्यक्तिगत या खुद के लाभ के लिए या किसी और के लाभ के लिए इसका खुलासा नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कई बार जो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती हैं, अब देखिए कि जो हमारे जो भारत देश है वहाँ पे सुरक्षा के लिए कई हथियार बनाए जाते हैं, तो हथियार बनाने के लिए वो कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सभी को रिसर्च में शो नहीं करते कि ये क्या कैसे कैसे या क्या क्या उसमें करना है, ठीक है। तो क्योंकि अगर उसका खुलासा हो जाएगा तो बाकी देश उसकी कॉपी कर लेंगे, उसका वो तोड़ निकाल लेंगे, तो इसलिए होता क्या है कि जो भी रिसर्च की जाती है तो उसका खुलासा नहीं किया जाता, ना तो व्यक्तिगत लाभ के लिए ना किसी और के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके प्रति निष्ठा रखनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि कोई भी शोध अगर की जा रही है तो सबसे पहली बात है उसके लिए निष्ठा रखनी चाहिए, उसे सभी के सामने ऐसे बताना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है उद्देश्य, अनुसंधान का उद्देश्य निष्पक्ष और स्पष्ट होना चाहिए, उद्देश्य समाज या मानवता के लिए प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे प्रतिकूल लिखा है, यानी कि अनुकूल होना चाहिए यहाँ पे आना था, यहाँ पे फ्रेंड आना था उद्देश्य समाज या मानवता के लिए अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। देखिए उद्देश्य जो है अनुसंधान के वो बिल्कुल साफ होने चाहिए कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग है, क्यों कर रहे हैं, और साथ में ये मानवता के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके उलट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अनुकूल आना था, इसको सही कर लेना।
अन्य के लिए समान देखिए, शोधकर्ता मानव गरिमा, स्वायत्तता, गोपनीयता, अधिकार और उन सभी के हितों के लिए समान प्रदर्शित करता है जो अनुसंधान परियोजना के लिए योगदान देते हैं। अब देखिए कि जो एक बंदा तो रिसर्च कर नहीं सकता, उसके लिए टीम जो है काम करती है। अगर एक रिसर्च के समय जो टीम उसका साथ देती है तो शोधकर्ता को सभी को सम्मान देना चाहिए। समाज के लिए लाभ, अब देखिए कि जो शोध होती है वो ऐसे होनी चाहिए कि जो समाज के लिए लाभ लेके आए। अनुसंधान का उद्देश्य नए ज्ञान और विचार उत्पन्न करना है जो ज्ञान की उन्नति के लिए व्यक्तियों और समाज के लिए लाभ पैदा करेगा। अब देखिए अनुसंधान कैसा होना चाहिए, उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए कि जो एक नया ज्ञान या जो विचार उत्पन्न करता है वो कैसा होना चाहिए, वो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो व्यक्तियों या समाज के लिए लाभ लेके आए। अब हम देखते हैं कि समाज में हमारे बेरोजगारी है, गरीबी है, ये है, कई तरह की कुरीतियाँ हैं, उसको दूर करने के लिए अगर हम कोई आइडिया ढूंढते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो सभी को लाभ दे के जाए। फ्रेंड्स ये थी थ्योरी। अब देखते हैं कि इसके बाद जो अभी प्रश्न उत्तर कौन कौन से आ चुके हैं पिछले सालों में इससे रिलेटेड। तो देखिए पहला प्रश्न है, अच्छा अनुसंधान नैतिकता का अर्थ क्या है, यानी कि जो एक अनुसंधान नैतिकता है जो अच्छी है उसका अर्थ क्या है, ये दिसंबर 2012 का क्वेश्चन था। देखिए आपके सामने ऑप्शन रखे, ऑप्शन को पढ़िए। आपके ऑप्शन नंबर ए है, आपके शोध को प्रायोजित करने वाली कंपनी में शेयरों या शेयर की होल्डिंग का खुलासा नहीं करना, किसी विशेष शोध समस्या को एक PhD या रिसर्च छात्र को सौंपना, एक शोध पत्र से अपने सहयोगियों के गोपनीय डाटा के बारे में चर्चा जो आप एक अकादमिक पत्रिका के लिए समीक्षा कर रहे हैं, या एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए एक ही शोध पांडुलिपि प्रस्तुत करना। देखिए इसका राइट आंसर है बी, यानी कि एक अच्छा अनुसंधान का अर्थ का क्या अर्थ है कि किसी विशेष शोध समस्या को केवल एक रिसर्च छात्र को सौंपना, यानी कि अगर कोई विशेष शोध समस्या हो रही है तो वो सिर्फ एक रिसर्च छात्र को ही सौंपी जानी चाहिए कि ताकि उसके ऊपर वो अच्छे से रिसर्च कर सके। अगला प्रश्न है, अनुसंधान नैतिकता का अनुसंधान के किस चरण के साथ अधिक बार सीधा संबंध है, यानी कि जो अनुसंधान नैतिकता है उसका अनुसंधान के किस चरण के साथ सीधा संबंध है। ठीक है, यानी कि जो हमारी रिसर्च है, जो हमारा अनुसंधान है उसमें उसका संबंध, ठीक है, अनुसंधान नैतिकता के साथ कहाँ पर है, ये जुलाई 2016 में क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन है, शोध के दायरे को प्रभाषित करना और परिसीमन करना, शोध निष्कर्षों की समस्या तैयार करना और रिपोर्ट करना, शोध के लिए जनसंख्या को परिभाषित करना और नमूना तकनीक को तय करना, या सांख्यिकी तकनीक और डाटा विश्लेषण के बारे में निर्णय लेना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, यानी कि शोध निष्कर्षों की समस्या तैयार करना और रिपोर्ट करना। अब देखिए कि जो शोध निष्कर्ष हैं, यानी कि जब हम शोध के एंड में आ जाते हैं कि उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी समस्या आती है, फिर रिपोर्ट करना है, वो होती है अनुसंधान के चरण में। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, शोध नैतिकता के मुद्दे को शोध के किस चरण में प्रासंगिक माना जाता है। अब देखिए कि जो शोध नैतिकता है उसका जो मुद्दा है वो शोध के किस चरण में सही माना जाता है, प्रासंगिक माना जाता है, ये जनवरी 2017 में क्वेश्चन आया था। देखिए, समस्या निर्माण और इसकी परिभाषा के स्तर पर, अनुसंधान की जनसंख्या को परिभाषित करने के स्तर पर, डेटा संग्रह और व्याख्या के चरण में, या निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के स्तर पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डेटा संग्रह और व्याख्या के चरण में। ठीक है फ्रेंड, जो शोध नैतिकता है वो शोध के डाटा संग्रह और व्याख्या के चरण में आती है। तो फ्रेंड्स ये थे आज का लेक्चर और साथ में इसके प्रश्न उत्तर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स हम जल्दी ही कल तक ये ख़त्म कर देंगे रिसर्च का पार्ट, कल या परसों, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा रिसर्च का, फिर हम आगे के टॉपिक करेंगे, इस मंथ में पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जिनका कॉमर्स का पेपर है हम बिल्कुल फ्री में तैयारी करवा रहे हैं कल से, तो आप इसको भी एक बार देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।